Assalamualaikum students, today we will start the maths work of Countdown book 5. So let's take out page number 16. Today we will start the word problems on page number 16, and we have to do the word problems on notebook. How many parts we will do today? We will do part number 1, 2, 3, and 4, right? So let's take out the notebook for this work. What you will do first, look at the notebooks. You will write date 8/7/2020 and write classwork in the middle, and then after that you will write day here, Wednesday. Then you will write unit number 1, and after that you will write name of the unit, numbers and arithmetic operations. Now write down the page, because you have to mention the page, which page you are doing, from which page you are doing the questions, right? Page number is 16. Then you will write the topic, word problems. Number 1, look at the part 1. Jumbo Fancy Store wants to place an order for candles. एक Jumbo Fancy Store है, वो चाहता है candles के लिए एक order देना चाहता है, ठीक है? If one box contains 144 candles, अगर एक box में 144 candles हैं, ठीक है? How many boxes must the shop order for a stock of 100,080 candles, right? तो 100,080, ठीक है? अब इतनी टोटल स्टॉक है ये उनका, ठीक है? अब आपके पास क्या है, जो एक बॉक्स के अंदर कैंडल्स हैं वो 144 हैं. अब आपने क्या करना है, कैंडल्स इन वन बॉक्स बतानी है, ठीक है? 144 कैंडल्स इन अ स्टॉक, स्टॉक में टोटल कैंडल्स कितनी है वो आपने लिख दी. अब टोटल बॉक्सेस कितनी है, डायरेक्टली आप 144 को 100,080 से डिवाइड करेंगे, ठीक है? आपने डिवीजन की 144 का, आपने यहाँ पे टेबल बना लिया रफ वर्क में. 144 मल्टीप्लाई बाई 2, 144 मल्टीप्लाई बाई 3, 144 मल्टीप्लाई बाई 4, फिर इसी तरह 5 से करना है, 6 से, 7 से, 8 से और 9 से. ये आपका पूरा टेबल बन जाएगा, ठीक है? आप डायरेक्टली फिर इजीली सॉल्व करेंगे. 144 मल्टीप्लाई बाई 6 हमने इसलिए किया क्योंकि 2 और करेंगे 288 आता है, ठीक है? 100 है, 100 से ऑलरेडी ये बड़ा है. फिर 4 डिजिट्स देखेंगे तो 1000 बनता है, 1000 के करीब तरीन हमारे पास 1008 आता है, ये उससे बड़ा हो जाता है. और फिर 864 होता है 6000, तो हमने ये यूज़ किया है. 1844 मल्टीप्लाई बाई 6 इज इक्वल टू 864. अब ज़ीरो में से 4 कट नहीं हो सकते, तो 7 वाले से हेल्पेंगे, वो भी ज़ीरो है, तो उससे 7 वाले से लेंगे, वो भी ज़ीरो है तो उससे 7 वाले से लेंगे. इस 1 ने इसको हेल्प दिया तो ये 10 बना, इसको कट किया यहाँ 9 बचा, ठीक है? यहाँ पे 1 आ गया, ये 10 बना, इसको कट किया, इसको 1 दिया तो ये 9 रह गया पीछे, यहाँ 10 बन गया. 10 में से 4 कट किए तो 6, 9 में से 6 कट किए 3, 9 में से 8 कट किए 1, ठीक है? 136 बचा. ऊपर से आप नेक्स्ट नंबर नीचे ले आएंगे 8, 1368 इज़ द नंबर नाउ. अब इसके करीब तीन नंबर आपके पास आ रहे हैं, 1296, ठीक है? अब आपके पास ये नंबर आ रहा है, तो अब 9 ज़र करेंगे, 1296 माइनस करेंगे 8 में से 6 कट करेंगे तो 2, 6 में से 9 नहीं कट हो सकते, 7 वाले से हेल्प लेंगे, 3 ने से हेल्प दी 1, यहाँ 16 बना, तो यहाँ पे रिमेनिंग 2 बच गया, ठीक है? 16 में से आप जब 9 कट करते हैं तो आंसर 7 आता है, तो 7 आ गया. फिर 2 में से 2 कट किया 0, और 1 में से 1 कट किए 0. सो दिस इज़ 72 नंबर. तो ऊपर से नेक्स्ट आपने लाया नीचे 0, दिस इज़ 720 नाउ, ठीक है? अब आपके पास देख सकते हैं यहाँ पे ये है 720, ये आपके पास इक्वल नंबर आ गया, तो 5 ज़र आपने किया, 144 5 ज़र 720 आपने माइनस किया, 0 में से 0 कट हुए 0, 2 में से 2 कट हुए 0, और 7 में से 7 कट हुए 0. सो आपके पास रिमेनिंग कुछ भी नहीं बचा, तो टोटल बॉक्सेस आपके जो नीडेड थे, ठीक है, टोटल बॉक्सेस कितने हुए, टोटल बॉक्सेस आपके बने 6695. कैंडल्स ईच बॉक्स में 144 हैं, और टोटल बॉक्सेस इस पूरे स्टॉक से कितने बने, 695, ठीक है? पार्ट नंबर 2 देखें, लुक एट पार्ट नंबर 2. द गवर्नमेंट वांट्स टू बिल्ड न्यू होम्स फॉर 382 होमलेस फैमिलीज. गवर्नमेंट जो है वो 382 होमलेस फैमिलीज़ के लिए घर बना रहे हैं. ईच होम कॉस्ट रुपीज़ 400,960. एक घर की कीमत ये है. हाउ मच विल बी द प्रोजेक्ट कॉस्ट ऑल टुगेदर. तो प्रोजेक्ट की टोटल कॉस्ट क्या होगी, डायरेक्ट आप मल्टीप्लाई करेंगे 382 को इस कॉस्ट से, मतलब ये टोटल फैमिलीज़ को एक घर की कॉस्ट से मल्टीप्लाई कर देंगे तो आपके पास आंसर आ जाएगा. लुक एट द सॉल्यूशन.
टोटल होम्स इज इक्वल टू 382, कॉस्ट ऑफ ईच होम रुपीज कितने हैं 400,960 एंड टोटल कॉस्ट ऑफ प्रोजेक्ट क्वेश्चन मार्क, ये हमें नहीं पता, हमने फाइंड करनी है, हमने इसको और इसको आपस में मल्टीप्लाई किया, ठीक है, योर आंसर विल बी दिस, ठीक है, ये आपका आंसर आ गया 153,166,720, टोटल कॉस्ट ऑफ प्रोजेक्ट इज दिस, डायरेक्ट आपने मल्टीप्लाई किया और आपके पास आंसर आ गया। थर्ड पार्ट, स्कूल चिल्ड्रन इन कराची रेस्ड ₹40,575 थ्रू अ स्पॉन्सर्ड मैराथन रेस, एक स्पॉन्सर की गई रेस है, ठीक है, जिसमें पैसे किसी ने खर्च किए हैं, ठीक है, उसमें क्या हुआ कि इतने पैसे उन्होंने रेस किए, इफ़ द कलेक्शन इज शेयर्ड बिटवीन 15 नीडी फैमिलीज, अब जितने ये कलेक्ट किए गए पैसे तो टोटल वो 15 फैमिलीज में बांट दिए गए, हाउ मच डज ईच फैमिली गेट एंड हाउ मच विल बी लेफ्ट, टोटल कितने एक फैमिली को मिले और कितने बच गए। अब हम क्या बनाएंगे स्टेटमेंट, टोटल कलेक्शन कितनी है ₹40,575, टोटल फैमिलीज हैं 15, ईच फैमिली गेट क्वेश्चन मार्क नहीं पता, हमने फाइंड करना है मनी लेफ्ट, हमने फाइंड करनी है, ठीक है। अब 40,575 को मल्टीप्लाई करेंगे 15 से, 15 का टेबल तो सब बच्चों को आता है, मैंने आपके लिए इजी करने के लिए यहाँ पे 15 का टेबल बना दिया, ठीक है, 15 2s are, 15 3s are, 4s are, 15 5s are, 15 6s are, 15 7s are, 15 8s are, 15 9s are, ठीक है, तो जस्ट मैंने आपकी कन्वीनियंस के लिए ये काम किया, आप ओरली भी कर सकते हैं, ठीक है, 15 2s are 30 हमने इसलिए किया है, टू डिजिट्स को देखा है क्योंकि बाय टू डिजिट्स हैं, ठीक है, अब 15 2s are 30 हैं और 3s are होंगे 45, तो 45 इससे बड़ा होता है तो 2s are हम करेंगे, 2s are 30, 0 में से 0 कट करें 0, 3 4 में से 3 1, ठीक है, ऊपर से नेक्स्ट 5 नीचे ले आए, 105 बन गया, तो 105 हमारा आता है 7s are, 15 7s are 105, अगेन 5 में से 5 कट हुए 0, 0 में से 0 कट हुए 0, 1 में से 1 कट गया 0, नेक्स्ट 7 नीचे ले आए, 7 अकेला अगर नीचे आता है तो 15 से छोटा होता है, इसलिए हम डायरेक्टली दो नंबर्स इकट्ठे नीचे लाएँ, जब भी आप दो नंबर्स इकट्ठे नीचे लेके आते हैं, वेन एवर यू आर ब्रिंगिंग टू नंबर्स डाउन, ठीक है, टुगेदर जब इकट्ठे लेके आएंगे तो ऊपर एक 0 ऐड हो जाएगा यहाँ पे आंसर में, ठीक है, जो आंसर आ चुका है उसके बाद यहाँ 0 ऐड हो गया, ठीक है, 75 नंबर बन गया, दोनों इकट्ठे नीचे आएंगे, तो 15 5s are 75 और आपने माइनस किया तो क्या आंसर आ गया 0, ठीक है, ईच फैमिली गेट 2,705 एंड मनी लेफ्ट इज 0। फोर्थ पार्ट है, सुपर पॉप पोटैटो चिप्स फैक्ट्री एम्प्लॉयज 267 पीपल, इतने टोटल पीपल हैं, इफ़ ईच वर्कर रिसीव्स रुपीज़ 2,384 एज वेजेस एवरी मंथ, अगर एक वर्कर को पूरे मंथ में इतनी वेज मिल रही है, इतनी मजदूरी मिल रही है, व्हाट इज़ द टोटल वेज बिल, टोटल वेज बिल क्या है फॉर वन मंथ, एक महीने का, और फॉर द होल ईयर, दिस क्वेश्चन इज़ होमवर्क, ठीक है, आपने ये अब क्वेश्चन नंबर 4 खुद सॉल्व करना है, इसके टू पार्ट्स होंगे, आपने पहले मल्टीप्लाई करना है, फिर नेक्स्ट भी आगे आप सोचिएगा क्या करना है, तो इंशाल्लाह मैं आपको फिर नेक्स्ट इसमें गाइड करूँगी, अगर आपको हेल्प चाहिए हुई, अगर आपको नहीं समझ आता तो मुझसे पूछ सकते हैं आप, सो डू दिस वर्क एट होम, आई होप यू अंडरस्टैंड इट दिस वर्क, टिल देन अल्लाह हाफिज़।